प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक महिला के कथित तौर पर फांसी लगाने के बाद गुस्साए मायके वालों ने उसके ससुराल में आग लगा दी, जिससे उसके ससुर और सास की झुलसकर मृत्यु हो गई। प्रयागराज में एक विवाहिता का शव उसके कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने की खबर जैसे ही उसके घर वालों को मिली, उन्होंने ससुराल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों को उनके घर में बंद कर घर को आग लगा दी। धूमनगंज के झलवा की रहने वाली अंशिका केसरवानी की शादी मुट्ठीगंज के अंशु के साथ 13 फरवरी 2023 को हुई थी। अंशिका के परिवार वालों का कहना है कि या तो अंशिका को मारकर लटका दिया गया या फिर परेशान आकर उसने आत्महत्या कर ली है। सोमवार रात लगभग 10:30 बजे के बाद अंशिका के घर वालों को ससुराल की ओर से फोन आया और बेटी की मौत की खबर दी गई। मौके पर जब अंशिका के घर वाले पहुंचे और किसी तरह दरवाजा खोला, कमरे के अंदर अंशिका केसरवानी का शव मौजूद था। शव देख परिजनों में कोहराम मच गया। हत्या का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने बाहरी लोगों को भी मौके पर बुला लिया था, जिससे बात और आगे बढ़ गई। इसी बीच रात 12 बजे किसी ने मकान के निचले हिस्से को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते आग पूरे घर में फैल गई। पुलिस उपायुक्त नगर दीपक भूक ने बताया कि सोमवार देर रात को पुलिस को सूचना मिली कि मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र में अंशिका केसरवानी ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर मायके और ससुराल पक्ष के दोनों लोग मौजूद थे। पुलिस टीम जब पहुंची तो दोनों पक्षों के लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। इस दौरान मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष के घर में आग लगा दी गई। पुलिस ने घर से 5 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाने के बाद सुबह 3 बजे जब पूरे मकान का सर्च किया गया तो उसमें 2 डेड बॉडी मिली, जिसमें एक राजेंद्र केसरवानी जो लड़की का ससुर है और दूसरी बॉडी शोभा देवी जो लड़की की सास है। फिलहाल इन दोनों शवों को भी पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रात्रि 11 बजे थाना मुट्ठीगंज पे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जिसका नाम अंशिका केशरवानी है, उसके द्वारा अपने ससुराल में आत्महत्या कर ली गई है तथा दोनों मायके व ससुराल के पक्ष मौके पर मौजूद हैं। उस पर तुरंत जो थाने की पुलिस टीम है वो मौके पर पहुंची। उसमें जो दोनों पक्षों के लोग हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसी के दौरान जो मायके पक्ष वाले हैं उनको उनके द्वारा ससुराल पक्ष के घर में आग लगा दी गई। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को वहां से इमीडिएटली रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया व फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच के और उसमें उसकी मदद से आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने के बाद लगभग 3 बजे जब उस घर की पूरे मकान की सर्च की गई तो उसमें 2 डेड बॉडीज मिली, जिसमें एक राजेंद्र केसरवानी जो कि लड़की का ससुर है उसकी थी और एक शोभा देवी जो लड़की की सास है उसकी बॉडीज जो हैं वो आइडेंटिफाई हुई हैं। इन बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए SRN हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। सभी उच्च अधिकारियों के द्वारा इसमें मौके का निरीक्षण किया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये शुरुआत हुई है सगाई के बाद से, इसमें सगाई के बाद से ही गाड़ी की लिस्ट व्हाट्सएप पे भेजना शुरू किया। सगाई हो गई थी, हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। हम लोगों को समाज का डर लगा कि बेइज्जती हो जाएगी। हम लोगों ने किसी तरह बहला मुसला के इसके कहने पे जो दहेज मांगा वो देते गए, किसी तरह शादी कर लिया। इसने 20 लाख रुपया नगद घर से ले आया, ये हम लोग वो भी दे दिए, चोरी छुपे कुछ नहीं बोले। प्रेजा गाड़ी खड़ी है ये दिए हम लोगों ने, एक एक दहेज का सामान दिया इसको। शादी में भी पूरे टाइम में मुंह बना रहा, पूरी वीडियो में आई है। मेरी बहन रोज रोती थी, एक बार दो बार चार बार हम लोगों ने समझाया इसको। आके यहाँ से हम लोग बहन को ले गए, फिर इसने सुला सुलाई करके किसी तरह यहाँ पे ले आया ये फिर से वापस से। उसके बाद भी मेरी बहन रोती रही, उसको हम लोग समझाते रहे। आज 3 बजे मेरी बहन ने फांसी लगा लिया। इसने 10:44 पर फोन किया कि 3 बजे से दरवाजा बंद है और कोई इंसाफ नहीं, पुलिस तब तक दरवाजा नहीं खोली थी 10:44 तक। हम लोग आए अपने हाथ से तोड़े दरवाजा, हमारे आरोप ये भी आप लोग लगा कि आप लोग ने घर में आग लगा दी है। आग कौन लगा सर? हम लोगों ने नहीं लगा, हम लोग मार रहे थे, मार रहे थे हम लोग को। यहाँ गुंडे बुलाए थे तिलक लगा लगा के, हम लोग को मारा जा रहा था सर। हम लोग से मुठभेड़ किया इन लोगों ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु केसरवानी है। चिंता जगह डाले 4 दिन में।
बहुत गलत है, कितना मर गया।